हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, एक बहुत आसान मैं डिज़ाइन लेकर आई हूँ और जो बिगनर्स हैं वो भी इस डिज़ाइन को इजीली बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑड नंबर में फंदे लेने। मैंने इसमें 25 फंदे डाले हैं, आप 15, 21, 25, 27 इस तरीके के फंदे इसमें लेंगे तो आपका डिज़ाइन ईजिली बन जाएगा। तो जो ये डिज़ाइन है ये दो दो फंदों के मल्टीपल में चलता है और एक फंदा इसमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो वो ऑड नंबर हो जाता है। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसमें सिर्फ 4 लाइंस का है, बहुत इजी है और इसको आप चाहे तो बॉर्डर पे डाल सकते हैं, साइड्स पे कहीं डाल सकते हैं। जैसे आधा आपने प्लेन बना लिया, आधा पे आप इस तरीके का डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, मिक्स करके भी डाल सकते हैं, बहुत इजी है। तो देखिए, पहली लाइन सीधी साइड में बनाएंगे, ये सीधी साइड रहेगी आपके प्रोजेक्ट की। तो इसमें हम एक फंदा उतारेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे। ये एज का फंदा है तो ये रखना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो उसके बाद धागा इस तरीके से घुमाएंगे, जाली डल गई। अब उल्टा बुनते हुए दो फंदों का हम एक फंदा बना देंगे इस तरीके से। ये देखिए, दो फंदों का एक फंदा बना दिया। फिर यही रिपीट करना है, धागा लपेटा, दो फंदों को इस तरीके से दो का एक कर दिया, उल्टा बुनते हुए करना है। फिर धागा लपेटा, दो फंदों को उल्टा बुनते हुए दो का एक, फिर धागा लपेटा, दो फंदों को उल्टा बुनते हुए दो का एक। अब आपके पास जितने भी फंदे हैं जो आपने मल्टीपल डाले हैं उसमें आप इसी तरीके से आगे आगे करते जाएंगे, धागा लपेट के दो फंदों का एक करेंगे, फिर धागा लपेट के दो फंदों का एक करेंगे, धागा लपेटा, दो फंदों का एक। देखिए धागा आपने किस तरीके से लपेटना है, जैसे ये धागा है इसको इस तरीके से करना है, इस तरीके से सलाई पे लपेटना है, उससे एक फंदा बनता है और जाली भी आती है। फिर दो फंदों को साथ में बुनते हुए दो का एक करेंगे, फिर धागा लपेटेंगे इस तरीके से और दो फंदों को बनाते हुए दो का एक। जितने भी आपके पास फंदे इसी तरीके से बनाइए, ऐसे लपेट के दो का एक। ये देखिए इस तरीके से, जितने भी आपके पास फंदे हैं इस तरीके से आप करते हुए जाएंगे। अब देखिए लास्ट में आपके पास दो फंदे बचे होंगे, तो जो एक फंदा है ये तो डिज़ाइन का है और ये जो फंदा है वो एज का है। तो एक जो फंदा है इसको आप ऐसे ही बुन लीजिए, ऐसे, यहाँ पे कोई फंदा हमने बढ़ाना नहीं है उसको, सॉरी मैंने इसको सीधा बुन लिया, उसको उल्टा बुन लेंगे हम, उल्टा बुन लेंगे और लास्ट का एज का फंदा हम सीधा बुनेंगे क्योंकि ये सीधी साइड है। अब उल्टी साइड पर देखिए, उल्टी साइड सेकेंड रो पूरे फंदों को हम एक फंदा तो उतारेंगे और बाकी फंदों को ऐसे उल्टा बुनेंगे, इस तरीके से उल्टा बुनते हुए जाएंगे। पूरे फंदों को हमने उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए, अगर आप जाली वाले पैटर्न देखेंगे तो आपको इतना इजी पैटर्न नहीं मिलेगा, ये बहुत आसान है और बारीक सा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो आप चाहे तो गर्ल्स के टॉप या आप इसमें स्टोल बना सकते हैं, मॉफलर बना सकते हैं और इसमें आप श्रग भी बना सकते हैं, इस तरीके के आइटम, सॉरी इस तरीके के डिज़ाइन में। ये देखिए जो जाली है उसको भी केयरफुली बनाना है, ये जाली है इसको इस तरीके से हमने बनाना है ताकि उसका जो फंदा है वो बन जाए, इस तरीके से उल्टा बुनना है। अब देखिए तीसरी लाइन सीधी साइड पर, ये देखिए इस तरीके से पैटर्न दिखेगा। अब तीसरी लाइन है सीधी साइड पे, फिर से हम सीधी साइड पे आ गए। तो इस बार हमने एक फंदा उतारा और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हमने उल्टा बनाया। सबसे पहले पहले हमने यहाँ पे धागा लपेटा था, यहीं से डिज़ाइन शुरू हुआ था। इस बार हमने एक फंदा उल्टा बनाया, अब धागा लपेट के दो फंदों का एक उल्टा बुनते हुए। अब ये हमारा पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हो गया, शिफ्ट हो गया यहाँ से, ऐसे धागा लपेटा दो का एक, फिर धागा लपेटा दो का एक, फिर धागा लपेटा दो का एक। तो अब ये पैटर्न जो है बनेगा तो वैसे ही उसी तरीके से बनेगा, बस थोड़ा सा वो शिफ्ट हो गया इस साइड, क्योंकि हमने पहले डायरेक्ट यहीं से शुरू किया था, इस बार हमने एक फंदा उल्टा बनाया है। तो बहुत ही आसान ये पैटर्न है, अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो ये एक तो जल्दी जल्दी बनता है और ऊपर से ये अच्छा भी लगता है। तो ये इस तरीके से हम करते जाएंगे, धागा लपेटना ज़रूरी है, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया ये,
देखिए जैसे आपने किया तो धागा लपेटना बहुत ज़रूरी, नहीं तो फंदे कम हो जाएंगे। दो का एक धागा लपेटा, दो का एक धागा लपेटा, दो का एक, फिर धागा लपेटा, दो का एक। मैं आपको एंड तक दिखाती भी जाऊंगी ताकि जब आप एंड करें तो आपको समझ में आ जाए। फिर धागा लपेटा, एंड में देखिए दो का एक जब आप करेंगे इस तरीके से तो आपके पास एक ही फंदा बचा होगा। इस बार धागा पीछे करके हम उसको सीधा बना देंगे क्योंकि वो एज का ही फंदा बचेगा। ये देखिए उल्टी लाइन हमेशा उल्टी बनेगी। देखिए उल्टी साइड से भी ये डिज़ाइन इस तरीके से आता है, तो अगर आप इसको बॉर्डर वगैरह पे डाल रहे हैं तो आप इसको दोनों साइड रख सकते हैं। जैसे आप मफलर बना रहे हैं उसकी साइड्स जो होती हैं वो भी बना सकते हैं, बॉर्डर दोनों साइड के बॉर्डर आप डाल सकते हैं। लेडीज़ के स्टोल वगैरह जैसे आप बनाते हैं उस पर भी ये बहुत अच्छा लगेगा। ये इस तरीके से हमने किया, सारे फंदों को चौथी लाइन को पूरा फिर से उल्टा बनाना है। तो उल्टी लाइन तो आपकी उल्टी ही आएगी इसलिए डिज़ाइन जल्दी जल्दी चढ़ता है। जो भी जिन भी डिज़ाइंस में उल्टी लाइन में उल्टा बुना जाता है वो बहुत जल्दी बनने वाले डिज़ाइन होते हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए, ये देखिए पूरी लाइन को उल्टा बुनने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये इसका लुक आएगा डिज़ाइन का। तो मैं आपको इसमें चार लाइंस और डाल के दिखाती हूँ तो इतना डिज़ाइन आपको समझ में आ गया होगा। यही आपको दो चार लाइंस को रिपीट करना है। तो मैं एक बार इसमें फिर से डाल के आपको दिखाती हूँ कि ये आगे कैसे दिखे। तो देखिए बनने के बाद ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसका लुक देखिए इस तरीके से आएगा। बहुत ही आसान डिज़ाइन है और इसका जो लुक है वो बहुत खूबसूरत लगता है बनने के बाद। ये देखिए इस तरीके से इसका लुक बनेगा। तो फिर बनाइए, यही चार लाइंस को रिपीट कीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।